असम से लापता 11 कंस्ट्रक्शन लेबर यानी निर्माण श्रमिकों का पता लगाने के लिए खोज और बचाव अभियान जारी है। अरुणाचल प्रदेश में लापता हुए असम के 19 श्रमिकों में से 8 को बचा लिया गया है। बचाए गए 8 श्रमिकों में से 5 को भारतीय वायुसेना IAF के हेलीकॉप्टर द्वारा एयरलिफ्ट किया गया और अरुणाचल प्रदेश के नहरलगुन में टोमो रिबा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंस TRIHMS में भर्ती कराया गया। बचाए गए मजदूरों द्वारा दिए गए बयानों के अनुसार अरुणाचल प्रदेश के कुरुंग कुमे जिले में रास्ते में 4 की मौत हो गई और 2 अन्य लोग फुरक नदी में गिर गए। हालांकि खोज और बचाव कर्मियों की अभी तक कोई शव नहीं मिला है। वे BRO यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के मजदूर थे। आमतौर पर असम और देश के अन्य हिस्सों के मजदूरों को पहाड़ी इलाकों में रहने की आदत नहीं है, इसलिए वे 19 मजदूर भाग गए होंगे, लेकिन एक शव मिला था। पुलिस यह स्थापित करने की कोशिश कर रही है कि यह उस समूह के संबंधित है या एक अलग मामला है, अरुणाचल प्रदेश के सांसद तपिर गाव ने कहा। पुलिस के अनुसार असम के 19 निर्माण श्रमिक 13 जुलाई को जिले में भारत चीन सीमा के पास से लापता हो गए थे। ननवार्ता ब्यूरो। हिंदी में कार्बी आंग्लों की ताजा खबरों को पाने के लिए सब्सक्राइब करें कुरुर वांगथू।